हाय, अब हर घर में आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जिसको लौकी और कद्दू देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मेरे घर में मेरा भाई है जिसको लौकी कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभी चलती है, लेकिन मुझे लौकी काफ़ी पसंद है। तो मेरे घर में ना दो लौकी आई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। अरे, खरीद कर नहीं लाए थे, फ्री में मिल गई थी हमको। तो एक लौकी से तो हमने सब्जी बना ली, लेकिन एक लौकी अभी भी बच गई थी। तो मेरा भाई मुझसे कहने लगा, सलोनी प्लीज़ सब्जी मत बनाना, इससे ना बर्फ़ी बना लो। तो आज हम इसी लौकी से बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको लौकी को छीलना है, और इसके बाद मेरी ये गोल वाली लौकी थी इसलिए मैंने इसका थोड़ा बीज का पार्ट हटा दिया है। अगर आप लंबी वाली लौकी यूज़ कर रहे हैं और अगर वो सॉफ्ट है और उसमें बीज नहीं है, फ्रेश है, तो आप चाहें तो उसका बीज का पार्ट मत हटाइए। और इसके बाद हमें इसे कद्दूकस करना है। मैंने यहाँ पर फूड प्रोसेसर का यूज़ किया है, इससे ईजिली हो जाता है। और इसके बाद हम हाथों से इसका जो सारा पानी है वो हटा देंगे। आप चाहें तो किसी बड़ी वाली छन्नी का या फिर किसी कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच देसी घी, और इसमें अब हम डालेंगे कद्दूकस की हुई लौकी। और इस लौकी को हमको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका जो सारा पानी है वो जल नहीं जाता। और इस लौकी को भूनने में मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लग गए, क्योंकि ये जो लौकी थी ये बड़े साइज़ की थी। और ये देखिए, अब जब इसका सारा पानी जल चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो मैंने ये लगभग 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, और अब इस मिल्क को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। अब आप चाहें तो बीच बीच में अपने कुछ काम भी कर सकते हैं, और बस बीच बीच में आप इसको नीचे से अच्छी तरह से चलाते रहिएगा जिससे जो मिल्क है वो नीचे लगे नहीं कढ़ाई में। और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किया है गार्निश करने के लिए। मैं इसको बर्फ़ी में नहीं डालूंगी, बस सिर्फ गार्निश करूंगी, क्योंकि मुझे लौकी की बर्फ़ी में ड्राई फ्रूट्स कुछ खास पसंद नहीं है। और ये देखिए, जो मिल्क है वो अच्छी तरह से अब गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने ये लगभग 250 ग्राम शुगर ली है, 1 कप के जितनी। और अब अगर चाहें तो आप यहाँ पर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कार्डमम पाउडर। तो आप ना कार्डमम पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि लौकी की बर्फ़ी में इलायची का जो ये फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देने के लिए डालेंगे एडिबल फूड कलर। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर ये डाला है, और ये देखिए, इससे इसमें एकदम वो जो हलवाई वाली बर्फ़ी होती है ना, वैसा कलर आ गया है इसका। और बस इसके बाद अब हमको इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो अगर अब आप इसे हलवे की तरह खाना चाहते हैं तो ये रेडी है हमारा लौकी का हलवा। लेकिन अगर आपको इससे बर्फ़ी बनानी है तो हमको इसको ना अभी 3 से 4 मिनट और भूनना पड़ेगा, जब तक ये थोड़ा सा ना और अच्छी तरह से चिकना नहीं हो जाता और कढ़ाही को अच्छी तरह से छोड़ने नहीं लगता। तो बस अब ये रेडी है भून कर। तो अब हम इसको जमाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रे लेंगे, और इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, और अब हम इसमें जो हमने लौकी का मिक्सचर रेडी करके रखा है उसको डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से चिकना कर फैला देंगे। और देखा आपने कैसे हमने बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के, सिर्फ घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से ये यम्मी सी लौकी की बर्फ़ी रेडी कर ली है। तो इस फेस्टिव सीज़न आप भी इस लौकी की बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अब इसके बाद ऊपर से हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स गार्निश करेंगे, और इसको हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं। और बस इसके बाद हम इसको फैन के नीचे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और बस 4 से 5 घंटे के बाद ये लौकी की बर्फ़ी सेट होकर रेडी है। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एंजॉय। बाय बाय।